हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं अपना स्पाइस स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर रही हूँ। सो जो फर्स्ट तरीका है वो बहुत ही बेसिक और कॉमन है और सभी इंडियन घरों में ये मसाले का डब्बा पाया जाता है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था ऑन अमेजोन मसाला बॉक्सेस, जिसमें मैंने अमेजोन में मिलने वाले 4-5 मसाले के डब्बों का रिव्यू किया था और उसमें से मैंने अपने लिए ये 2 डब्बे शॉर्टलिस्ट किए थे। मैं अपने मसाले ग्लास बॉटल्स में स्टोर करती हूँ। इन बॉटल्स से इस स्पाइस बॉक्स को फिल करना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। मैं अपनी किचन में 2 मसाले के डब्बे यूज करती हूँ। एक में मैं पाउडर्ड स्पाइसेस रखती हूँ और दूसरे में मैं होल स्पाइसेस यानी कि साबुत मसाले रखती हूँ। मसालों को इस तरीके के डब्बे में स्टोर करना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है कुकिंग के लिए एंड इट सेव्स टाइम ऑल्सो। आपको अलग अलग जार्स नहीं ओपन करने पड़ते एंड इट कम्स इन वेरी हैंडी ड्यूरिंग द कुकिंग। ये मेरा दूसरा मसाले का डब्बा है जिसमें मैं सारे साबुत मसाले स्टोर करती हूँ। इस डब्बे की खासियत ये है कि इसमें 9 कंपार्टमेंट्स हैं, तो इसमें मैं 9 डिफरेंट टाइप के होल स्पाइसेस स्टोर कर सकती हूँ। और आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ कंपार्टमेंट्स में मैंने 2 टाइप के मसाले भी रखे हैं जो कम यूज़ होते हैं। उसके अलावा भी बीच में जो थोड़ी स्पेस अवेलेबल थी उसमें मैंने लाल मिर्च और साइड में तेज पत्ता भी रखा है। इन साबुत मसालों का भी बाकी स्टॉक में इस तरीके की ग्लास बॉटल्स में स्टोर करती हूँ। इन दोनों स्पाइस बॉक्सेस को मैं गैस के इमीडिएट नीचे जो ड्रॉवर है वहाँ पर रखती हूँ। इन बॉक्सेस को इन ड्रॉवर में रखने से मुझे बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। इट एक्ट्स एज एन एक्सटेंडेड काउंटर टॉप। मुझे पूरे मसाले के डब्बे काउंटर टॉप पे नहीं रखने पड़ते एंड दैट्स अ बिग प्लस पॉइंट, बिकॉज कुकिंग के टाइम पे वैसे भी काउंटर टॉप पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं डायरेक्टली मसाले इस ड्रॉअर में से ले लेती हूँ और अपनी कुकिंग में यूज़ करके ड्रॉअर बंद कर देती हूँ। सॉल्ट रखने के लिए मैं एक सेपरेट कंटेनर ही यूज़ करती हूँ और इसको मैंने काउंटर टॉप पे ही रखा हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट प्लेस जहाँ पर मैं अपने सारे मसाले ग्लास बॉटल्स में एक ही जगह स्टोर करती हूँ, वो है ये टॉल किचन कैबिनेट। मैं हमेशा से इस तरीके की टॉल कैबिनेट में ही अपने सारे मसाले रखती थी, बट इट वॉज अ लिटिल डिसऑर्गेनाइज्ड एंड इसमें बहुत ही मिक्स्ड शेप एंड साइजेस की बॉटल्स रखी हुई थी रैंडमली, तो मैंने इस कैबिनेट को थोड़ा ऑर्गेनाइज किया। इस टास्क के लिए मैंने इस कैबिनेट को एम्प्टी किया और सारी बॉटल्स काउंटर टॉप पर रखी और उसके बाद मैंने इन्हें सॉर्ट किया। जो ग्लास की जैम बॉटल्स हैं उनको मैंने रिटेन किया और उसके अलावा जो कुछ और अच्छी ग्लास बॉटल्स थी उनको भी मैंने रीयूज किया। प्लास्टिक की सभी बॉटल्स को मैंने डिस्कार्ड कर दिया और एक न्यू सेट ऑफ ग्लास बॉटल्स ऑर्डर किया अमेजोन से। ये बहुत ही क्यूट हेक्सागन शेप ग्लास जार्स हैं एंड इनकी कैपेसिटी है 250 ml। दे कम इन अ सेट ऑफ 12। इनको मैंने अच्छे से वॉश एंड ड्राई कर लिया यूज़ करने के पहले। देन मैंने अमेजोन से ये राउंड चॉकबोर्ड लेबल्स ऑर्डर किए। दिस वॉज अ सेट ऑफ 100 एंड एज यू कैन सी कि मैंने इसमें से काफ़ी ऑलरेडी यूज़ कर लिए थे। आप इसमें लिखने के लिए कोई भी वाइट परमानेंट मार्कर या पेन यूज कर सकते हैं। इन सभी लेबल्स को मैंने बॉटल्स के कैप पे लगाया है क्योंकि एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ऊपर लेबल लगाने से मुझे क्लियरली विजिबल होता है कि कौन सी बॉटल में क्या स्टोर किया है। सो दिस इज हाउ माई कैबिनेट इज लुकिंग एज ऑफ नाउ। सबसे नीचे मैंने जैम की बॉटल्स रीयूज करके रखी हैं और इसमें मैंने रखे हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मसाले क्योंकि इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है। आप चाहें तो इन जैम की बॉटल्स की लिड को कलर भी कर सकते हैं गोल्डन पेंट से या वाइट पेंट से, जो भी आपको अच्छा लगे, बट आई डिडंट वॉन्ट टू डू दैट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दिस। प्रोबेबली आई विल चेंज दिस बॉटल्स इन नियर फ्यूचर, सो अभी के लिए मैंने इसी तरीके से इन्हें यूज़ किया है। सेकेंड लेवल में मैंने इन हेक्सागन बॉटल्स में रेयरली यूज होने वाले और कम यूज़ होने वाले मसाले और कुछ सीड्स स्टोर किए हैं। ये हेक्सागन बॉटल्स बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही स्पेस सेविंग भी हैं क्योंकि एज यू कैन सी ये हनी कोम की तरह एक साथ चिपक जाती हैं एंड बीच में बिल्कुल भी स्पेस वेस्ट नहीं होता एज कम्पेयर टू दीज राउंड बॉटल्स जिनको आप कितना भी पास कर लें बट बीच में थोड़ा स्पेस वेस्टेड ज़रूर होता है। सबसे ऊपर की शेल्फ में मैंने कुछ रैंडम चीज़ें रखी हैं इन छोटी सी ग्लास जार्स में, जैसे कि बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, जीरा पाउडर एंड इवन हींग को मैंने इस बॉटल से निकाल के इस ग्लास जार में फिल कर दिया है।
उसके अलावा मैंने यहाँ पर ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, पिंक सॉल्ट वगैरह उनके ओरिजिनल बॉटल्स में ही रखे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सॉल्ट एंड पेपर बॉटल्स भी रखी हुई हैं, जिसके अंदर मैंने चाट मसाला, सिनेमन पाउडर और ब्लैक पेपर स्टोर किया है। इट कम्स इन वेरी हैंडी जब आपको इन चीज़ों को किसी भी चीज़ पर स्प्रिंकल करना होता है, स्पेशली ब्लैक पेपर जब मुझे ऑमलेट पर स्प्रिंकल करना होता है, आई प्रेफर दिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्पून। यहाँ पर मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहूँगी कि अपनी किचन में इस तरीके की फनल ज़रूर रखिए। जब भी आपको नैरो बॉटल्स के अंदर कुछ भी फिल करना है, मसाले फिल करने हैं या फिर आपको ऑयल रिफिल करना है ऑयल बॉटल्स में, इट कम्स इन वेरी वेरी हैंडी एंड यूजफुल। सो ये पूरी कैबिनेट है जहाँ पर मेरे सारे मसाले एक ही जगह पर रखे होते हैं, एंड मुझे जो मसाले अपने मसाले के डब्बे में रिफिल करने होते हैं वो भी यहीं पर हैं। एक्स्ट्रा मसाले, रैंडम मसाले, सब कुछ यहाँ पर एक ही जगह में है। कुछ मसाले मैं फ्रिज में रखना प्रेफर करती हूँ क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, सो आई कीप देम इन द फ्रिज। फ्रिज में भी मेरे मसाले टोटली ऑर्गेनाइज नहीं थे, कुछ मसाले उनके ओरिजिनल पैकेजिंग में ही रखे हुए थे। तो इसके लिए मैंने इस तरीके की राउंड बॉटल्स ऑर्डर की अमेज़ॉन से। ये दो बॉटल्स मेरे पास पहले से ही थी और इसी तरीके की कुछ और मैंने ऑर्डर की, विच वॉज इन अ सेट ऑफ सिक्स। सो कुछ मसाले जिनकी क्वान्टिटी ज़्यादा होती है वो मैं इन बॉटल्स में स्टोर करती हूँ, और कुछ मसालों के लिए मैंने एक ये स्लीक सा स्पाइस सेट मंगवाया था और उसके अंदर मैंने राजा मसाला, छोला मसाला ये सब स्टोर किया हुआ है। ये सेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कम स्पेस लेता है एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आपके फ्रिज में इजीली फिट हो जाएगा। और इसके ऊपर भी एक स्लॉट है, तो आपको अगर ये लिड नहीं ओपन करी तो डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन जस्ट स्प्रिंकल द मसाला। इन बॉक्सेस को लेबल करने के लिए मैंने वाशी टेप का यूज़ किया है, कोई भी लाइट कलर का वाशी टेप इसके ऊपर स्टिक कर दीजिए और उसके बाद आप परमानेंट मार्कर से उसके ऊपर लिख सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली जो मसाले के डब्बों के ऊपर ओरिजिनल नेम्स होते हैं उनको भी कट करके आप इनके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। इस सिंपल से रीऑर्गेनाइजेशन से मेरे मसाले बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो गए हैं फ्रिज में। मसालों के ओरिजिनल कार्टन से मसाले निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, मैसी हो जाता था और कई बार कुकिंग के टाइम पे वो स्पिल भी हो जाते थे। कई बार हम मसाले लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर कर देते हैं एंड वो कंटेनर्स में फिट नहीं होते, तो जो भी एक्स्ट्रा मसाले होते हैं उनको मैं इस तरीके के बड़े से बॉक्स में स्टोर करती हूँ। जो भी ओपन पैकेट्स होते हैं उनको मैं स्टेपल करके इसके अंदर स्टोर करती हूँ। तो जब भी मुझे अपने मसाले की बॉटल रिफिल करनी होती है, आई जस्ट सिंपली ओपन दिस बॉक्स एंड आई फिल माई बॉटल्स। कोई भी मसाला अगर इस बॉक्स में ख़त्म हो गया, दैट मीन्स कि मुझे वो ऑर्डर करना है। इस तरीके से सारे मसाले एक जगह रखने से आप अपनी इन्वेंट्री ईजिली मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड कुछ आइडियाज़ यूजफुल लगे हों। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। Do like and share my video with your friends and family, and also subscribe to my channel if you haven't already. I make a lot of videos on home decor, home organization, art and crafts, DIYs, so please hit the bell icon so that you get notified about all my videos. Thanks a lot for watching my video. Bye-bye.